इटावा जनपद में वन विभाग की टीम ने 4 तस्करों के साथ 67 पशुओं को बरामद किया है। पकड़े गए कछुओं की मार्केट में कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में वन विभाग के अधिकारी प्रभागीय निदेशक संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिलुआ महावीर मंदिर के पास यमुना नदी के किनारे कुछ लोग कछुए को पकड़ रहे थे। इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपियों के पास से 67 कछुए बरामद किए गए, जिनमें 5 कछुए मृत हालत में थे। वहीं आरोपियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कछुओं को इटावा से कोलकाता के लिए भेजा जाता था। वहीं इस मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों में से कुछ आरोपी ऐसे ही जिनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज थे। वहीं पकड़े गए कछुओं की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। ये 67 कछुए पकड़े गए हैं। 67 कछुए में 5 मर गए हैं, 62 जिंदा हैं। ये लोग कलेक्ट एक वन मतलब वन डे में कलेक्ट होते नहीं, ये लोग फुटकर कलेक्ट करते हैं। ये लोग कलेक्ट कर रखने में जैसे भी लापरवाही की होंगे 5 कछुए से मर गए हैं। और ये पिलुआ महाराज मंदिर के पास ये पकड़े गए हैं रात में। 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इसमें 2 तो अभ्यस्त मुलजिम हैं जो पहले भी हमारे विभिन्न केस में वांटेड हैं, एक जगदीश और एक सदानंद, नहीं जगदीश और सी टू ये विकलांग है। सी टू ये पहले भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये तो जैसे आपने पूछा था जगदीश और C2 तो पहले भी सप्लाई और मतलब अभियान के दौरान ही पकड़े गए हैं दोनों लोग। इनके साथ वेस्ट बंगाल के ही सप्लायर रहते हैं, और इस बार इनके साथ जो व्यक्ति सप्लायर है वो तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का है, सदानंद पुत्र सुशांत मंडल। पर्टिकुलर ये माना जाता है, मेरी वेस्ट बंगाल में भी बात हुई थी, वहाँ पर भी बात हुई थी, वहाँ पे ये 300 से लेकर 500 रुपये किलो तक बिकता है। फिलहाल ये तो ले जा रहे थे उत्तराखंड, जो इन्होंने अपने बयान बताया उत्तराखंड ले जा रहे थे। पट्टी वाइल्ड लाइफ की धाराएं होती हैं 39 51 52, वन जीव अधिनियम 1972 की धारा 39 है, 51 52। देखिए अभी कुछ समय से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जिनके द्वारा कछुओं को पकड़ करके तस्करी का काम किया जाता है। इस संबंध में हमारी एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी, सिविल लाइन्स की टीम साथ में थी। ये जो पिलुआ हनुमान जी का मंदिर है उसके पीछे यमुना जी के पास से आज कछुए जो है काफ़ी मात्रा में, जिनके संख्या लगभग 7 के ऊपर है, और जिसमें एक एक कछुए का वजन, कुछ कछुए ऐसे हैं जो 70 से 80 किलो के हैं। इस संबंध में वन विभाग की भी टीम साथ में ज्वाइंट एफर्ट किया और काफ़ी मात्रा में कछुए के बरामद किया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो इसमें संबंधित धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित के नेतृत्व में वह नगर क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक व आबकारी की टीम ने एहिया रायपुर में छापेमारी की। घर छोड़कर भागे अवैध शराब कारोबारी, बड़ी मात्रा में लहन व शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के एहिया रायपुर की ये घटना है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चालू है और लगातार मिलती जा रही है अवैध शराब। अवैध शराब का बड़ा जखीरा आहिया रायपुर में बरामद हुआ है। यूपी रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। आपके द्वारा
जांच करी गई, क्या है पूरा मामला? आज हम लोगों की संयुक्त टीम ने, जिसमें सीओ साहब, आबकारी विभाग और हम लोग की टीम द्वारा अय्या रायपुर में ये सघन अभियान चलाया गया जो देसी दारू बनती है उसके अगेंस्ट में। और यहाँ पर हम लोगों ने कई घरों पर रेड करी है। लगभग यहाँ पे 1000 क्विंटल हम लोगों को लहन मिली है, जिसे तत्काल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और 50-60 लीटर प्रिपेयर्ड लिकर भी बरामद हुई है। और जो भी फैमिलीज को बना रही हैं, उसमें से कुछ लोगों को मौके पर पकड़ा भी गया, कुछ लोग फरार हैं, जिसके अगेंस्ट नियम संगत धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी और उन्हें गिरफ्तारी करा के नियम संगत धाराओं में कार्रवाई। किसी अंग्रेजी शराब में भी आपने जांच करी, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? एक अंग्रेजी शॉप अभी हम लोगों ने रोड साइड पर देखी थी, जहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि हुई कि वो लोग वहाँ पर लोगों को बैठा कर लिकर सर्व कर रहे हैं, जिसमें उनको तत्काल उनको फाइन चार्ज किया गया है। और इसमें जो भी प्रिलिमिनरी आगे कार्रवाई होगी वो आबकारी विभाग द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके के देवापुर ग्राम में उस समय जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग हो गई, जब चुनावी रंजिश में मौजूद प्रधान व पूर्व प्रधान के पक्ष में समर्थकों में मामूली कहासुनी हो गई। मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के समर्थकों, प्रधान और उसके समर्थकों ने दूसरे प्रधान पक्ष के समर्थकों की दुकानों, बाइकों को तोड़ डाला। काफी देर बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट, तोड़फोड़ होती रही। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख सभी प्रधान पक्ष के समर्थक घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस लगातार इलाके में उपद्रवियों की तलाश कर रही है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुरादाबाद जनपद के देवापुर ग्राम में चुनावी रंजिश में मौजूदा प्रधान व पूर्व प्रधान के पक्ष के लोगों में मामूली विवाद हो गया। मामूली विवाद ने देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव कर दिया। दोनों पक्षों में हुए पथराव में प्रधानों के समर्थकों की दुकानें भी टूट गई, साथ ही प्रधान के समर्थकों भाई को गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अमित कुमार आनंद कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को आता देख दोनों प्रधान पक्ष के समर्थक वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा इलाके में उपद्रवियों को ढूंढा जा रहा है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात एसपी सिटी अमित कुमार आनंद द्वारा कही जा रही है। ये देवापुर गांव थाना कटघर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पथराव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुँची है, तो जो यहाँ पे पथराव कर रहे थे इस समय फरार हो गए। इस समय कोई भी पक्ष उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से इनके विरुद्ध मुकदमा लिखाया जा रहा है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। अभी जानकारी की जा रही है, पूरा प्रकरण अभी जांच की जा रही है, जो भी अपडेट होगा उससे अवगत कराया जाएगा। सर, फायरिंग हुई है यहाँ पे अभी तक तो फायरिंग की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, पथराव की बताई गई है। अभी जांच की जा रही है, जो भी नए तथ्य या उपलब्ध होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे।